दिल्ली के रास्ते ढूंढने आए हैं। हमने कहा कि सर्वे करो, कहाँ रामलीला मैदान है, कहाँ जंतर मंतर, कहाँ पार्लियामेंट। आज आए हैं, आज बगैर ट्रैक्टर के आए यहाँ पर लोग, और हमने सरकार को कहा कि सरकार बातचीत का रास्ता अख्तियार करे। अच्छा क्या करें फिर, अली नहीं कर ले, आपको बात करना छोड़ दे, आंदोलन करना छोड़ दे। ये आंदोलन भी होगा और बातचीत भी होगी, सब काम होंगे, उसी से परिवर्तन आता चलती रहेगी सरकार। सामने से ले लो बबलू भाई, अभी तो बातचीत चली नहीं रही। 22 जनवरी 2021 को बातचीत हुई थी, उसके बाद में कोई बात सरकार से नहीं हुई। मांग तो वही है भाई, जिंदा कैसे रहे। आलू का किसान बर्बाद हो गया, सब कह लेगा आलू के किसान दीदी आपकी क्या मांग है। अरे उसका आलू ठीक रेट में बिक गया, उसकी ये मांग है भाई। पशु बीमार है, उसे कह लेंगे जी ये पशु बीमार हो रहे जी, आपकी डिमांड बताओ भाई, इनके दवाई हो जा, मर गया पशु उसका मुआवजा मिल जा, फसल बर्बाद होगी उसका मुआवजा मिल जा, उसका रेट मिले उसका मुआवजा मिले, यही तो है। और कोई इनसे सोने की चैन मांग रहे हम, सोने की चैन तो नहीं मांग रहे, जो किसानों के लिए स्मारक मांग रहे हो दिल्ली में, क्यों वो गलत है? कोई शहीद नहीं हुए यहाँ पे, ये स्मारक की जगह दे देंगे तो इनको छोड़ देंगे, नहीं जो कहते रहेंगे ये नहीं देगा कोई और देगा। स्मारक तो दिल्ली में किसान का बनेगा। पहले यूपी चुनाव से पहले आंदोलन हुआ था क्या, इस बार लोकसभा चुनाव से पहले आंदोलन? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव तो आते रहे, चुनाव तो इस साल भी होंगे, अगले साल भी, हर साल हो, लेकिन फसल भी हर बार आती है, साल में 3-3 बार फसल आती है, उसके दाम मिलने चाहिए। MSP गारंटी कानून देश में आना चाहिए। स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू करने की जो डिमांड है काफी पुरानी है, लेकिन अमल क्यों नहीं हो पाता है? इनके व्यापारी दोस्त हैं, उनको नुकसान होगा इसलिए नहीं होता। ये व्यापार भी तो करते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में जो मिलिट्री व्यापार करें, ऐसे यहाँ की सरकार व्यापार कर रही है, इसलिए नहीं होता। ये व्यापारियों का कब्जा होगा देश में, आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? कोई बैन है आंदोलन पर, हड़ताल है कोई? आज के इस आंदोलन से इसराइली से रामलीला मैदान से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरबे संदेश, अगर सरकार आंधी हो तो कोई संदेश नहीं। ये लोकतंत्र है, इसमें जनतंत्र दिखाना पड़ता है। भीड़, अगर भीड़ एक जगह से एक कोज पे भीड़ इकट्ठी होकर कोई कह रही है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पहले कहा था कि कृषि कृषि संगठन सिर्फ विरोध में थे, कृषि कानून के कौन है साथ वाले को भाई, एक आध्य को हमको भी मिला दो, सरकारी संगठन हो सकते हैं कोई, जैसे कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है, ऐसे ही सरकारी संगठन हो सके? हमें तो कोई मिला नहीं। कौन ऐसा आदमी है जो 10 साल में अपना ट्रैक्टर तोड़कर दोबारा लेगा? तो ये सारे कानून है, जो गलत कानून है उसका विरोध हम कर रहे हैं। वाली बात बताइए, 10 साल में ट्रैक्टर खत्म होगा, ये NGT का कानून है। अब एक आदमी कोई बताओ कि 10 साल में ट्रैक्टर, 10 साल में चलने वाली गाड़ियां, एक रोडवेज और DTC की गाड़ी और एक दिल्ली के हाई कोर्ट की जज की गाड़ी, क्या दोनों का साल बराबर होगा? उनकी गाड़ी कितनी चलती है, DTC कितनी चलती है? एक रोडवेज की गाड़ी जो यहाँ से चक्कर लगाती है 1000 किलोमीटर 500 रोज चलती है, और जज साहब की गाड़ी जो हफ्ते साल भर में मुश्किल से 5000 किलोमीटर चलती है, लेकिन साल बराबर है। किसान का ट्रैक्टर, जज और डॉक्टर की गाड़ी, प्राइवेट गाड़ियां, वे कितनी चलती है? लेकिन कानून गलत है, हमारा विरोध उसका है कि जो कानून गलत है उसको बदलो। बिजली का कानून आ रहा है, आ गया, आ गया पार्लियामेंट में, आ गया। जब भी तो बिजली प्राइवेट होगी। अच्छा हाँ भैया, अभी तो 5-6 है, ये फिर 18 रुपए यूनिट भी तो होगी। जनता मरेगी इससे, सब जनता को खड़ा हो जाना चाहिए। बेरोजगारी का इशू है, जवानों का इशू है, तो इनका खड़ा हो जाना चाहिए। सड़कों पर खड़े हो जाएगी 24 के बाद में, सब खड़े हो जाओगे, सब हो जाओगे 24 के बाद। इंतजार करो 1 साल का, हाँ सब हो जाएगा।
खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।